नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार। स्वागत है आप सभी लोगों का कंपटीशन कम्युनिटी में। कंपटीशन कम्युनिटी का खास CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित मोबाइल कोर्स लॉन्च हो चुका है। इस मोबाइल कोर्स के माध्यम से आप देश के किसी भी कोने में बैठकर कहीं से भी CGPSC या फिर व्यापम की तैयारी बहुत आसानी से कर सकते हैं। इस मोबाइल कोर्स की खास बात यह है कि इस मोबाइल कोर्स में आपको मिलेंगे CGPSC और व्यापम के पैटर्न पर आधारित 200 से अधिक वीडियो लेक्चर्स। इसके साथ ही यहां आपको मिल रहा है ऑनलाइन स्टडी मटेरियल, वो भी 3000 से अधिक विशाल प्रश्नों के संग्रह के साथ। एवरीवन, मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी को यहाँ पर आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए दो महत्वपूर्ण विषय हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा के विषय के बारे में बतलाऊंगी कि किस तरह से परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को आपको हल करना चाहिए, कौन से टॉपिक कैसे आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, उस सारी चीज़ों के डिटेल जो हैं आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेंगे। हिंदी भाषा में व्याकरण के समस्त नियम के साथ सारे प्रयोग और साथ में छत्तीसगढ़ी भाषा में उसके साहित्यिक खंड से लेकर व्याकरण खंड तक के समस्त हिस्से को हमारे द्वारा यहाँ पर पूरा करवाया जाएगा। वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। बच्चों, एक ऐसे विषय जिसे हम भाषा कहते हैं, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। पहला टॉपिक व्यापम हो, चाहे मेंस हो, चाहे आपके लिए प्री हो, इन सब में भाषा से संबंधित प्रश्न ज़रूर आते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाषा क्या है। भाषा, यदि हम बात करते कि भाषा क्या है, तो दो मनुष्यों के मध्य परस्पर विचार विनिमय का माध्यम कहलाती है भाषा। अर्थात यदि हम कहें कि भाषा क्या है, तो भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत के भाष धातु से बना हुआ शब्द है हमारे लिए भाषा, जिसका मतलब होता है किसी भी वक्तव्य को बोलना या किसी भी वक्तव्य को कहना। अर्थात संस्कृत के भाष धातु से निर्मित यह भाषा शब्द है, जिसका मतलब है विचारों को बोलकर या विचारों को कहकर प्रस्तुत करना। अगर हम पूर्ण तौर पर बात कर सकते हैं, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विचार विनिमय के लिए, संप्रेषण के लिए दो मानवों के मध्य जिस विचार बिंदुओं का आदान प्रदान होता है, जिसके लिए वह जिस माध्यम का सहारा लेता है, वह माध्यम ही कहलाती है भाषा। देखा जाए तो दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है भाष व्यक्तायाम वाची, अर्थात मनुष्य के व्यक्त वाणी ही भाषा कहलाती है। कुछ भाषा शास्त्रियों के अनुसार इसके लिए अलग अलग परिभाषाएं दी गई है, जैसे कि बाबू रेवा राम, इनका कहना है कि जिन ध्वनि चिन्हों से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उसे भाषा कही जाती है। मंगलदेव शास्त्री के अनुसार कह सकते हैं कि भाषा मनुष्य के व्यापार चेष्टा को कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपने उच्चारण को शरीरावयों अर्थात मुख ध्वनि के उच्चारण से बोलकर और लिखित प्रयोग के अनुसार लिखकर प्रस्तुत करता है, तो वर्णात्मक या व्याख्यात्मक विचार को प्रस्तुत करना भाषा कहलाती है। पाणिनि, जो व्याकरणिक माने जाते हैं, उनका कहना है सम्यक प्रकार से वाणी के उच्चारित प्रयोग करना ही भाषा कहलाती है। अर्थात सम्यक प्रकार से वाणी का उच्चारण ही भाषा कहलाती है, और इसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में देखने को मिलता है, जहाँ साधारण व्यक्तियों के द्वारा विचार बिंदुओं का विनिमय किया जाता था। श्याम सुंदर दास कहते हैं मनुष्य और मनुष्य के बीच विचारों, ध्वनियों, इच्छाओं, सहमति के संकेतों का जो माध्यम होता है, उसे भाषा कही जाती है। आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा का कहना है कि उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या मन के विचारों को पूर्ण अभिव्यक्ति के द्वारा अथवा किसी सहायता से यदि मनुष्य एक दूसरे से विनिमय करते हैं, तो वह विनिमय का माध्यम ही भाषा कहलाती है।
कुल मिलाकर यदि हम बात करें कि भाषा क्या है, तमाम प्रकार की परिभाषाएं जो मैंने आपको बताई, सारी परिभाषाओं का एक ही अर्थ निकलता है, जिसका कहना है विचार प्रस्तुतिकरण का माध्यम। इसलिए भाषा क्या है? दो मानवों के या दो मनुष्यों के बीच परस्पर विचार विनिमय का आदान प्रदान करने का माध्यम कहलाती है भाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को, विचारों को, संवेदनाओं को एक दूसरे व्यक्ति से अभिव्यक्त करता है। ठीक है, तो भाषा की साहित्यिक परिभाषा क्या बनती है कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं को परस्पर एक दूसरे से अभिव्यक्त करता है, या हम कह सकते हैं अपने विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं के लिए मनुष्य एक दूसरे को प्रस्तुत करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता है वह माध्यम कहलाती है भाषा। इस तरह भाषा क्या हुआ? भाष धातु से निर्मित एक वक्तव्य वाणी, जहाँ एक व्यक्ति अपने मन की भावनाओं, संवेदनाओं, विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाता है, तो जिस माध्यम का सहारा लेता है वह माध्यम कहलाती है भाषा। अब भाषा कितने प्रकार के होते हैं कहा जाए तो भाषा के प्रकार हम कहते हैं कि भाषा के प्रकार की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लैंग्वेज टू टाइप्स के होते हैं। एक भाषा जिसको व्यक्त किया जा सके, इसलिए वह भाषा व्यक्त भाषा कहलाती। व्यक्त भाषा का मतलब होता है अपने मन के विचारों को अभिव्यक्त करना। ठीक है, मतलब उच्चारण ध्वनि के द्वारा जब वह व्यक्ति अपने विचार को दूसरों के समक्ष पहुंचाता है तो वो माध्यम जो उस भाषा का है, चूंकि वो व्यक्त कर रहा है इसलिए व्यक्त भाषा यानी कि एक्सप्रेस्ड लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। इस एक्सप्रेस्ड लैंग्वेज जिसे हम व्यक्त भाषा कहते हैं, इसके दो प्रकार के प्रयोग उसके द्वारा किए जाते हैं। जब वह मुख ध्वनि का उच्चारण करता है, एक वक्ता के द्वारा बोला जाए, माध्यम श्रोता के द्वारा सुना जाए, जो श्रव्य और मौखिक का प्रभाव हो, तो ऐसी भाषा जहाँ विचार बोलकर प्रस्तुत किए जाते हैं ऐसी भाषा मौखिक भाषा कहलाती है। इस मौखिक भाषा की यदि हम बात करें तो इसे हम ओरल लैंग्वेज या वर्बली लैंग्वेज के नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, इसके लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक आवश्यकता होती है वक्ता की जो कहता है और दूसरी आवश्यकता होती है श्रोता की जो बात को सुनता है। तहां दोनों के मध्य क्या होता है? आदान प्रदान होता है, और उस आदान प्रदान में एक के द्वारा बोला गया, दूसरे के द्वारा सुनकर उनके विचारों को समझा गया, इसलिए दोनों के मध्य मौखिक भाषा का आदान प्रदान हुआ। अपने विचार जब एक व्यक्ति पहुंचाना चाहता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति उसके समक्ष मौजूद नहीं है, कुछ दूरी पर है, किसी दूसरे राज्य में है, दूसरी जगह पर है, या अपने मन के आवेदन को, भाव को, जिसको भी अगर वह पहुंचाता, लेकिन मौखिक तरीके से नहीं, लिपियों का प्रयोग करके यदि वह लिखकर प्रस्तुत करता है, तब ऐसी भाषा बन जाती है रिटन लैंग्वेज, जिसको कही जाती है लिखित भाषा। तो क्या हुआ यहाँ पर? भाषा के पहले प्रभाव में प्रकार है व्यक्त भाषा। व्यक्त करने के दो तरीके, मौखिक और लिखित। ये है जो मुखाग्र ध्वनि से उच्चारित की जाती है, इसलिए इसको सुनने का माध्यम होता है श्रव्य, है ना? जब कोई कहता है तो दूसरे से समझता कैसे है? सुनकर। ठीक है, दूसरा, जब वह लिखकर प्रस्तुत करता है, चूंकि वह देखता है, दृश्य होता है, जिसे पाठ्य के माध्यम से वो समझता है, मतलब देखता है और पढ़ने के बाद उसे समझता है। लेकिन जब मौखिक भाषा है, एक वक्ता उसे कहता है और दूसरा श्रोता उसे सुनता है। ठीक है,
इस संसार में कुछ ऐसे वर्ग या पक्ष पाए जाते हैं जो चाह कर भी बोल नहीं सकता, जैसा कि गूंगा व्यक्ति, एक छोटा सा शिशु जिसने अभी बोलना शुरू नहीं किया है, या पशु या पक्षी जिसकी कोई भी भाषा नहीं होती, फिर वो अपने विचार कैसे प्रस्तुत करे? भाई सक्षम व्यक्ति है तो वह अपने विचार बोलकर और लिखकर प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बोल ही नहीं सकता, ठीक है, इसी तरह जो पशु पक्षी है, छोटा बच्चा है, चाह कर भी नहीं बोल सकता, अब वो क्या करे? तो क्या ऐसी भाषाएं व्यक्त हो सकती हैं? नहीं, ठीक है। तो जब व्यक्त की जा सकती हैं तो वो व्यक्त भाषा हुई, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं भाषा के दूसरे प्रकार की, तो वो होती है हमारे लिए अव्यक्त भाषा, ठीक है। अब हम यदि अव्यक्त भाषा की बात कर रहे हैं, तो चलिए एक गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता, लेकिन वो लिख तो सकता है, वह कोशिश करे तो लिख सकता है और अपने विचार लिखित माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है। स्वाभाविक है कि अगर वो लिखना चाहता है तो अपने पास कलम दवात की व्यवस्था रखेगा, लेकिन क्या संभव है कि उसके कापी कलम में लिखते तक, जिस तक वह विचार पहुंचाना चाहता है, उसके पास पर्याप्त समय होगा? ज़रूरी नहीं। इसलिए समय की कमी और अभाव को देखते हुए वह कोशिश करेगा कि जितनी जल्दी हो सके उस तक विचार पहुँच जाए। इसलिए वह एक ऐसे माध्यम को चुनता है जो उसके विचार प्रस्तुत करने के लिए उसकी सहायता करता है, और ऐसे विचार जो संकेतों या इशारों के द्वारा की जाती है। एक छोटे बच्चे को जब भूख लगती है या चोट लगती है तो कहता नहीं है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भूख लगी है, भोजन दो, वह रोना शुरू करता है। एक जानवर, एक पक्षी, यदि उसे तकलीफ़ होती है तो वो आवाज़ करने लगते हैं। खुश हैं तो भी उनका संकेत वही है, लेकिन दुखी हैं तो भी उनके संकेत वही, क्योंकि वह माध्यम जिससे व्यक्त ना किया जा सके अव्यक्त भाषा कहलाती है, जिसे अनएक्सप्रेस्ड लैंग्वेज कहते हैं। और इस अनएक्सप्रेस्ड लैंग्वेज में प्रयोग किया जाता है सांकेतिक भाषा का। देखा जाए तो प्रत्येक मनुष्य के मध्य विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को कही जाती है भाषा। तो भाषा क्या हुई? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने मन की भावनाओं और विचारों को प्रस्तुत करता है। भाषा के दो प्रकार हैं, व्यक्त भाषा जिसके दो तरीके हुए, लिखित और मौखिक, और ऐसी भाषा जिसे व्यक्त ना किया जा सके उसे अव्यक्त भाषा कहते हैं, जिसमें सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। भारत विभिन्नता में एकता का परिचय देती है। संविधान के द्वारा हमें 22 प्रकार की भाषाएं प्रदान की गई हैं। जैसे कि सभी को पता है, पहले 14 भाषाएं थी, फिर एक मिलाया गया तो बन गई 15 भाषाएं, फिर मिलाया गया 3 तो बन गई 18 भाषाएं, और वर्तमान समय में 4 भाषाओं के समावेश से आज 22 प्रकार की भाषा बोली जाती है। फिर हम ही क्यों कहते हैं कि हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी परिचायक राष्ट्रभाषा है? क्या ये हिंदी हमारी भाषा है? और अगर है तो भारतवर्ष में अलग अलग प्रकार की भाषाएं क्यों हैं? ये सारी भाषाएं आई कहाँ से? अगर हम इनकी बात करें कि सारी भाषाएं आई कहाँ से, तो कह सकते हैं कि जिस तरह एक वंश और खानदान होता है, एक परिवार होता है जिसमें किसी संतान की उत्पत्ति होती है, जो उसके परिचय होते हैं, उसी तरह यदि देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि भाषाओं के भी परिवार होते हैं। पूरे विश्व में अगर हम भाषाओं की बात करें तो पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। सारी भाषाओं की उत्पत्ति एक परिवारों के अंतर्गत होती है, जो कहीं ना कहीं आर्य भाषाएं कहलाती हैं या भाषा परिवार कहलाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा परिवार क्या है? प्रश्न यह उठता है कि भाषा परिवार क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी भाषा का जन्म
एक मूल भाषा से होता है तब उसे भाषा परिवार कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे, जब किसी भाषा का जन्म एक मूल भाषा से होता है तो उसे भाषा परिवार कहा जाता है। पूरे विश्व में मानी जाती है कि 2796 टाइप के लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। यदि हम इसे एक पूर्ण स्वरूप की बात करें तो पूरे विश्व में बोलियां और उपबोलियां कहीं ना कहीं हम देखेंगे तो बोलियों और उपबोलियों का प्रभाव देखने को मिलता है। बोलियां और उपबोलियों के प्रभाव से यहाँ लगभग 3000 प्रकार की भाषा बोली जाती है। यदि राउंड फिगर की बात करें तो 3000 प्रकार की भाषा यहाँ पर बोली जाती है। इस 3000 प्रकार की भाषाओं में मुख्य बोलियां भी है, उपबोलियां भी है। जैसे कि एक एग्जांपल यदि हम देते हैं कि मुख्य बोली जैसे छत्तीसगढ़ी, यह हमारे राज्य की मुख्य बोली है, पर आपको मालूम ही है कि छत्तीसगढ़ के अंदर यहाँ गदबा, खड़िया, कोरकू, मवासी जैसी कुछ उपबोलियां भी है जो द्रविड़ भाषाओं के अंतर्गत भी है, मुंडा भाषाओं के अंतर्गत भी है, आर्य भाषाओं के अंतर्गत भी है, पाई जाती हैं। इस तरह बोलियों और उपबोलियों के साथ मिश्रित होकर यदि हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में लगभग 2796 प्रकार की, अगर हम राउंड फिगर की बात करें तो लगभग 3000 प्रकार की भाषा मानी जाती है जिसका जन्म एक मूल भाषाओं से हुआ। इसलिए कुछ विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें 12 मुख्य भाषा परिवार में बांटा गया है। मुख्य 12 भाषा परिवार की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य भाषा परिवार में 12 भाषा परिवार है जिसमें इसे बांटा गया है। देखा जाए तो पूरे विश्व की भाषाओं को 12 भाषा परिवार में बांटा गया है जिसमें से भारत के अंदर हम 2 भाषा परिवार का मुख्य तौर पर बड़े रूप में और 2 भाषा परिवार का छोटे रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया भाषा परिवार, कि मैंने क्या बताया, जब किसी भाषा का जन्म एक मूल भाषा से होता है तब वह कहलाती है भाषा परिवार। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पूरे विश्व में लगभग 2796 टाइप की लैंग्वेजेस जो है वो यूज की जाती है, बोली जाती है। यदि पूरे विश्व की बोलियां यानी कि डायलेक्ट और उपबोलियां मतलब कि सब डायलेक्ट के लिए बात करें तो उनकी संख्या मानी जाती है लगभग 7000। अर्थात बोलियां कुछ मुख्य हैं, कुछ उपबोलियां उसके अंतर्गत हैं। बोलियों और उपबोलियों को ध्यान में रखते हुए आज मानक तौर पर पूरे विश्व में लगभग 3000 प्रकार की भाषाएं मान्य मानी जाती है, जिसमें से भारत में यदि हम भाषाओं की बात करें तो भारत में संविधान के द्वारा 22 भाषाएं प्रदान की गई हैं और बोलियां उपबोलियों की बात करें तो 600 से ज्यादा बोलियां भारत के अंदर बोली जाती हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब भारत में 22 भाषाएं हैं, 600 प्रकार की बोलियां हैं, तो इसी तरह विश्व की 3000 प्रकार की भाषाओं को यदि हम बात करें तो इनकी विशेषताएं के आधार पर इन्हें एक भाषा परिवार में बांटा गया है जिसकी संख्या 12 मानी जाती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले हम कहते हैं भारतीय, भारत और यूरोप मिश्रित। यदि हम बात करें तो भारत का इंडिया और यूरोप का यूरोपियन, इंडो यूरोपियन मिलकर भारतीय भाषा परिवार बनी। दक्षिण में द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा चीनी सेमेटिक परिवार, चौथा आर्य भाषा परिवार, पांचवा बाटू भाषा परिवार, छठवा काकेशस, फिर सुडानी, बुशमैन, जापानी या कोरियाई, अमेरिकन जो रेड इंडियन के नाम से जाना जाता है, हेमेटिक और यूरान जो अंटाइल के नाम से जाना जाता है। इन्हीं 12 भाषा परिवारों में से भारत के अंदर प्रयोग की जाने वाली 22 भाषाओं में से
हम बात करें कि इनका जन्म कहाँ से हुआ, तो भारत के अंदर इन 12 भाषा परिवार में से सबसे बड़ी भाषा परिवार भारतीय का, दक्षिण भारत में द्रविड़ का, इसी प्रकार मध्य भारत के कुछ हिस्से में आग्रेय का, और पहाड़ी सीमाओं से जुड़े रहने पर चीनी भाषा का प्रयोग, मतलब 1, 2, 3, 4, मतलब कि 2 बड़े और 2 छोटे भाषा परिवार का प्रयोग भारत के अंदर किया जाता है। जैसा कि अभी मैंने 12 भाषा परिवारों के बारे में बताया, जिसमें मैंने नाम गिनाए थे भारतीय, द्रविड़, चीनी, तिब्बती या सेमेटिक हम कह सकते हैं, आग्रेय, बाटू, काकेशस, सुडानी, जापानी या कोरियन, एक है अमेरिकन, हेमेटिक और यूरान। इनमें से भारतीय भाषा परिवार कौन कौन से, भारत के अंदर कितने भाषा परिवार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो भारतीय भाषा परिवार के लिए हम बात करें तो भारत के अंदर सबसे बड़ी भाषा परिवार मानी जाती है भारतीय भाषा परिवार। भारतीय की बात करें तो यहाँ पर है भारत और यूरोप। जैसे कि सबको पता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर क्षेत्र से लोगों का आगमन हुआ है, चाहे वह व्यापार विनिमय हो, चाहे वह हमारे पर आक्रमण करके हम पर शासन करने का हो, या कहीं ना कहीं घुमंतु प्रवृत्ति होने के कारण मनुष्य एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है। कुल मिलाकर देखी जाए तो यूरोपियन प्रांत के संपर्क में आने से आज हम फॉरेन वर्ड्स यूज करते हैं जिसे हम विदेशज शब्द कहते हैं। ये सारे विदेशी हैं, यूरोप प्रांत से आए हुए शब्द हैं। और यदि हम भारत की बात करें तो यहाँ के धर्मशास्त्र के अनुसार संस्कृत भारत की आर्य भाषा मानी जाती है, भारतीय भाषाओं की जननी मानी जाती है संस्कृत भाषा। कुल मिलाकर यदि हम बात करें तो संस्कृत को मूलतः स्वयं से विकसित भाषा मानी जाती है, उसी से यूरोपियन भाषाओं पर भी प्रभाव पड़ा है, चाहे वो ग्रीक हो, ईरानी हो, आदि भाषाओं का भी जन्म संस्कृत से माना जाता है। माना कि इसके प्रमाण लोगों के द्वारा अलग अलग पक्ष को लेकर हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए भारत की सबसे बड़ी भाषा परिवार भारत यूरोपीय मिश्रित बनती है भारतीय। भारत से आया संस्कृत जिसके 2 रूप थे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। यूरोप प्रांत के संपर्क में आने से ग्रीक, जर्मन, ईरानी, रूसी, फारसी, फ्रांसीसी, अंग्रेजी और लैटिन जैसे शब्द का इस्तेमाल हुआ। परसेंटेज की बात की जाए तो उत्तर और मध्य भारत के संपूर्ण क्षेत्र में अधिकांश तौर पर 73% भाषा परिवार में से भारतीय का प्रतिशत पाया जाता है। भारत का दक्षिण हिस्सा जिसमें यूरोपीय भाषा भारतीय भाषा से हटकर द्रविड़ भाषा का प्रभाव देखने को मिलता है। कहते हैं कि द्रविड़ भाषाएं जो दक्षिण भारत में इस्तेमाल की जाती है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, परसेंटेज है इसका 25%। तीसरा है आग्रेय भाषा परिवार जिसे आग्नेय या हम आस्ट्रिक भाषा परिवार कहते हैं। पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्से में पाया जाने वाली यह भाषा परिवार के सदस्य जिसका परसेंटेज 1.3 माना जाता है। और चौथा ये पाया गया कि भारतवर्ष के अंतर्गत वो क्षेत्र जो चीन और तिब्बत की सीमा दायरे में है या पहाड़ी क्षेत्र के तराई प्रदेश में रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा संस्कृत से संबंधित हिंदी का इस्तेमाल वहां किया जाता है, इसलिए चीन तिब्बत की सीमा दायरे में प्रयोग होने वाली भारतीय भाषाओं को चौथी भाषा परिवार माना गया जिसे चीनी तिब्बती परिवार कहा। परसेंटेज की बात करें तो 0.7%। इस तरह भारत में 4 भाषा परिवार इस्तेमाल की जाती है, भारतीय, द्रविड़, आग्रेय और चीनी तिब्बती परिवार। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि भारत की आर्य भाषाओं में इतनी आर्य भाषाएं प्रयोग की जाती हैं, प्रारंभ प्रयोग किया जाता है कि ये आर्य भाषाएं जो विस्तृत की गई है 12 भाषा परिवार में जिसमें से 4 का प्रयोग है, तो क्या संस्कृत कभी हमारी आर्य भाषा थी? और यदि संस्कृत थी हमारी आर्य भाषा तो उसका नाम आज वर्तमान समय में लिया क्यों नहीं जाता? इसके पक्ष में 2 बातें सुनने को मिलती है। पहली बात कि
धर्म शास्त्र को मानने वाले धर्मज्ञ धर्मावलंबियों के द्वारा यह प्रमाणित किया गया कि भारत की आर्य भाषा संस्कृत थी। आज से 5000 वर्ष पूर्व का यदि हम साहित्य या भाषाओं के प्रभाव को देखें तो यहाँ संस्कृत का प्रचलन देखने को मिलता है। यह संस्कृत जिसके व्याकरण भारत की समस्त बोलियां यहाँ तक कि उप बोलियों भाषाओं में प्रशासनिक शब्दों में धर्म आध्यात्म वेद पुराण में समाया है, इसलिए संस्कृत को आर्य भाषा मानी जाती है। दूसरा प्रमाण कुछ इतिहासकार का मानना है कि यह संस्कृत भारत में नहीं थी बल्कि भारत के ऊपर से आए हुए व्यक्तियों के द्वारा इसे यहाँ पर लाया गया, परंतु भारतवर्ष के लोगों ने बड़ी तीव्र गति से उसे स्वीकार किया, अपनी बोली भाषाओं में उसके शब्दों को समाया, इसलिए प्रचार और प्रसार होने की वजह से यह संस्कृत पनपती है। लेकिन यदि हम प्रमाण के तौर पर देखें तो हमें लिखित प्रमाण मिलता है कि यहाँ संस्कृत के दो स्वरूप थे। एक थे वैदिक संस्कृत जिसका प्रयोग वेद उपनिषदों को लिखने के लिए जाता था, ऋग्वेद यजुर्वेद अथर्ववेद सामवेद, और जो हमारे उपनिषद हैं, जिनकी संख्याएं मानी गई हैं, भारत में विद्यमान तौर पर लिखित साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि उसमें वैदिक संस्कृत का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जैसे ही हमने सर्वसाधारण मनुष्य के द्वारा इसके प्रभाव को जाना तो हमने पाया कि पाणिनि के द्वारा, क्योंकि वैदिक संस्कृत छांदस के द्वारा था, पाणिनि के द्वारा पाया गया कि पाणिनि के द्वारा प्रयुक्त संस्कृत लोक साहित्य के लिए ग्रंथ काव्य शास्त्र पुराण इनको लिखने के लिए रचनाओं को लिखने के लिए जैसे महाभारत पुराण है रामायण पुराण है ग्रंथ यदि हम कहें मेघदूत की रचना संस्कृत में की गई, ये सब वो लौकिक संस्कृत में की गई है काव्य शास्त्रों को लिखने के लिए। अब प्रमाण की बात करते हैं, क्या यहाँ पर संस्कृत यदि दो रूप में थी तो क्या यह संस्कृत है? चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ जो बोली और उप बोलियों से सराबोर है, मुख्य बोली है छत्तीसगढ़ी, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी संस्कृत है? है। किस रूप में? संस्कृत में कटहल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, संस्कृत में वही कटहल फनसह कहलाता है जिसे हम पनसह भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र में कटहल को हनस कहा जाता है। दूसरा दाड़ीमम पॉमीग्रेनेट मतलब की अनार छत्तीसगढ़ी में दड़मी कहलाता है। अम्बलिका चेरो जिसको हम इमली कहते हैं हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में अमली कहलाता है। इसी तरह देखा जाए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के अंदर संस्कृत के शब्दों का प्रभाव देखने को मिलता है। हम कुछ कुछ चीजों को अगर हम लेकर चले दक्षिण भारत में तो द्रविड़ भाषा थी, लेकिन दक्षिण भारत में कहते हैं कन्नड़ और मलयालम में सबसे ज्यादा संस्कृत के शब्द समाये हुए हैं। कहते हैं कि दूध कहलाता है पयस और दूध से बना हुआ खीर कहलाता है पायसम। किसी का स्वागत करना है तो तत्सम शब्द है स्वागत, और केरल में अगर कोई आपके घर आता है तो स्वागतम कहा जाता है। अच्छे शब्द हैं तो कल्याण कहा जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पायसम कल्याणम यदि हम कहें तो सारे हमारे लिए संस्कृत के शब्द हैं। उत्तर भारत में हम पंजाब की बात करें, चूंकि हमारे पास एक सेना है थल सेना, संस्कृत में जमीन को थल कहा जाता है। आप चाहे किसी विषय को उठाकर देखिए ना, या दर्शन शास्त्र उठाते हैं आध्यात्म गति चक्र कुंडलियां मोक्ष कहें, सब संस्कृत के शब्द हैं। गुरुत्वाकर्षण आकर्षण परावैनिकरणे ये सारे यदि हम कहते गति चाल दूरी ये सारे भौतिकी के शब्द भी संस्कृत ही तो हैं। आसवन जल यौगिक मिश्रण धातु परमाणु अणु ये सारे सर आपके रसायन के शब्द संस्कृत ही तो हैं। ये सबसे हटकर के प्रशासन में चले तो न्याय का आलय है जो तभी न्यायालय है, ठीक है। इसी तरह यदि हम कहते हैं जो अपनी बातों को अधिकता पर लेकर किसी के समक्ष प्रस्तुत करता तो वह अधिवक्ता कहलाता है। हर क्षेत्र विशेष में
संस्कृत का प्रभाव समाया हुआ है। इसलिए प्रमाणिक तौर पर कहा जा सकता है कि संस्कृत भारत की आर्य भाषा थी। इसी संस्कृत के प्रभाव है कि हम विभिन्नताओं में एकता का सूत्र बताते हैं। हम महाराष्ट्र में नहीं रहते पर मूल धातु शब्द एक जैसा प्रयोग होता है। महाराष्ट्र का व्यक्ति है समझने का, ठीक है। अब अगर हम मूल धातु शब्द लेते हैं समझ, हिंदी में मैं समझ गया, ठीक है। संस्कृत में समझने का मतलब कि तुमको समझ में आया क्या। छत्तीसगढ़िया व्यक्ति भी तो समझ ही के तहा हम समझ गए। कुल मिलाकर देखा जाए तो मूल धातु और व्याकरण सभी भाषाओं की एक समान है, क्योंकि सभी का व्याकरण कहीं ना कहीं संस्कृत से मिलता है। क्या आपको पता है छत्तीसगढ़ी को डॉक्टर महेश चंद्र शर्मा ने संस्कृत की पछियारी बहन कहा है, क्योंकि इसके कुछ नियम पूरी तरह संस्कृत को फॉलो करते हैं। तो कुल मिलाकर यदि हम भाषा परिवार की बात करें तो भारतीय भाषाओं के चार प्रभाव हैं, भारतीय, द्रविड़, आग्रेय और चीनी। और कहीं ना कहीं भारत से आई संस्कृत से ही हिंदी का जन्म हुआ है और भारतीय भाषाओं को जन्म देने वाली आर्य भाषा मानी जाती है आपकी संस्कृत भाषा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि संस्कृत हमारी आर्य भाषा थी तो किस तरह का विकास इसने किया कि विकास होने के बाद इसने अपने आप को हिंदी भाषा का दर्जा दिया। तो अगले वीडियो में आपको हिंदी भाषा का विकास क्रम, साथ में भाषा के स्वरूप और साथ में बताएंगे भाषा का वर्गीकरण। तो फिर देर किस बात की, अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.competitioncommunity.com। इसके अलावा इस मोबाइल कोर्स से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। और हाँ, इसके अलावा आप एक डेट और सेव कीजिए, 22 दिसंबर 2019 इस दिन से लॉन्च होने वाला है FTR यानी कि फास्ट ट्रैक रिविजन कोर्स हमारे YouTube चैनल पर। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें।